साथ किरण जाधव .com के सीईओ आशीष केलकर जुड़ रहे हैं. आशीष, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर. पहले तो निफ्टी पर आपकी कॉल लेना चाहूंगी. 9,866 के आसपास का लेवल है, क्या करना चाहिए? गुड आफ्टरनून. निफ्टी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो मैं मानता हूँ कि जो बुलिश मोमेंटम अभी दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यू रहने की संभावना है आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में. तो मैं मानता हूँ निफ्टी 9,900 को इस स्तर को छूता हुआ नजर आएगा. अभी बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस थोड़ा डीप डाउन होना चाहिए. चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 9,930 का स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा. लक्ष्य रहेगा 9,900. राइट. और पॉलिसी से पहले आप बैंक निफ्टी में क्या करने की सलाह दे रहे हैं? आज तो कुछ बड़ा मूव वहां दिखाई नहीं दे रहा, अंडर परफॉर्म कर रहा है दिग्गजों को, इनफैक्ट मिड कैप्स को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्या करना चाहिए? बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो अभी फिलहाल 74 पॉइंट्स हम ऊपर बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं. मैं मानता हूँ 24,250 एक स्तर है जिसको छूने की संभावना है, लेकिन एक लैक क्लस्टर मूवमेंट हम बैंक निफ्टी में देख पाएंगे. अगर जिनकी पोजीशन लॉन्ग है वो लॉन्ग बनाए रखें 24,250 के टारगेट के लिए. नई पोजीशन बनाने की फिलहाल सलाह नहीं दूंगा. ओके, आज के एक्टिव काउंटर्स पर बात करते हैं. टाटा मोटर्स सबसे पहले, यहाँ पर दो अच्छी खबरें हैं. एक तो सितंबर के जो आंकड़े हैं वो बहुत ही अच्छे आए हैं. टोटल सेल्स 25% ऊपर गई है. कमर्शियल व्हीकल्स की सेल ऑलमोस्ट 29% की बढ़त है वहाँ पर, और पैसेंजर व्हीकल्स में भी बहुत अच्छी बढ़त देखने को मिली है. 18% की बढ़त पिछले महीने में सितंबर के मंथली बिक्री आंकड़ों में यहाँ देखने को मिली है. साथ ही जो EESL का इलेक्ट्रिक व्हीकल का ऑर्डर था, 10,000 व्हीकल्स का ये ऑर्डर है, बड़ा ऑर्डर है, और वो टाटा मोटर्स ने जीत लिया है. तो ये दोनों खबरों के बदौलत स्टॉक काफी अच्छी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ. तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों पर ही आपका क्या व्यू है, और दोनों में से बेहतर बेट कहां पर है इस वक्त? पहले टाटा मोटर्स के ऊपर बात करते हैं. टाटा मोटर्स का अगर हम चार्ट देखते हैं तो पिछले एक साल में ये कंटिन्यूअसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए डाउन ट्रेंड में चल रहा है. आज की सिर्फ आज की मूवमेंट नहीं, अगर हम पिछले हफ्ते की भी मूवमेंट देखते हैं तो इसने करीबन 370 से लेकर 430 तक एक रैली दिया था और उसके बाद एक करेक्शन आया है. तो मैं मानता हूँ कि 430 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस है. चार्ट के ऊपर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है तो फिलहाल मैं इसमें बाय करने की सलाह नहीं दूंगा. जो राइज प्राइस में दिखाई दे रहा है दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू सेल. दूसरा, आपने कहा टाटा मोटर्स DVR, टाटा मोटर्स DVR भी सेम स्ट्रक्चर के साथ चलता हुआ दिखाई दे रहा है चार्ट के ऊपर. लोअर टॉप लोअर बॉटम्स है. फिलहाल जो बढ़त दिखाई दे रही है वो एक टेम्पररी पुलबैक रैली है, ऐसे चार्ट के ऊपर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है. तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाना चाहिए. ओके, तो टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स DVR दोनों में ही स्ट्रक्चर अभी बदला नहीं है, मुनाफा वसूली का मौका है इस वक्त. आप वहां पर प्रॉफिट, अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए इस वक्त, यही सलाह है. और अभी भी लॉन्ग पोजीशन, नई लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह आशीष नहीं दे रहे हैं. बजाज ऑटो पर फोकस करेंगे. वहां पर हमने देखा इस जो सितंबर के आंकड़े निकल कर आए हैं, हाईएस्ट एवर सेल्स है उनकी. 4,28,752 की यूनिट्स उन्होंने बेचे हैं एक महीने में, 14% का इम्प्रूवमेंट, जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स जो बेचते हैं वहां पर बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है, 32% का इम्प्रूवमेंट, और मोटरसाइकिल्स में भी 11% का इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है. बजाज ऑटो से कई दिनों बाद बहुत अच्छे आंकड़े निकल कर आए हैं, क्या करना चाहिए स्टॉक में? मुग्धा जी, बजाज ऑटो का चार्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसने रिसेंटली जो टॉप बनाया था उसको आज तोड़ा है. बुलिश मोमेंटम जारी रहेगा. नई अगर पोजीशन बनानी है तो बना सकते हैं. उसके लिए जो स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा वो होगा करीबन 3,160 का. बहुत ही नजदीक स्टॉप लॉस है. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेहतरीन रहने की संभावना है. अगला जो टारगेट चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, ऊपर हम ऐसे जोन में है जहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है. तो फिलहाल टारगेट के लिए हम ये मान सकते हैं कि 3,240 का एक लक्ष्य बना के चल सकते हैं. स्टॉप लॉस 3,160 का. ओके, रिलायंस कम्युनिकेशन पर आपकी राय लेना चाहूंगी. पता ही है हमें एयरसेल और रिलायंस कम्युनिकेशन की जो डील है वो कॉल ऑफ हो गई है. अब दिक्कत यह है कि इस डील के भरोसे उम्मीद ये जगी थी कि अब अपना कर्ज कम से कम सर्विस कर पाएंगे. सब कर्ज जो इनका लोन है वही इनको सर्विस करने में काफी दिक्कत आने लग गई थी. अब वापस उसी सिचुएशन में है, दबाव है इस वक्त 6% का, क्या करें? तुरंत एग्जिट होना बेहतरीन रहेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने इन द मंथ ऑफ जून
एक बॉटम बनाया था वो था करीबन 18 रुपए का और हम उसके बेहद नजदीक है। अगर ये स्टॉक 18 रुपए के स्तर को तोड़ के नीचे फिसलता है तो इसका जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा करीबन 15 रुपए 50 पैसा 15 रुपए तक। ये स्टॉक नीचे आने की संभावना बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है और जिस तरह के वॉल्यूम भी इसमें आ रहे हैं, जिस तरह की बिकवाली है, तो मैं मानता हूँ यहाँ पे एग्जिट होना बेहतर है। गेल शामिल, निफ्टी का टॉप गेनर है आज ये गेल। यहाँ पर जो नेचुरल गैस की कीमतों में सरकार ने बढ़त की है उसका फायदा गेल को मिलता हुआ, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली बाय करके चलना चाहिए क्योंकि जिस तरह का मोमेंटम हमने इसमें देखा है, वॉल्यूम्स और जो शैडो इंडिकेटर्स मैं यूज करता हूँ, पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। बाय कॉल होगी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए और स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा 426 का और लक्ष्य जो कैलकुलेट होके आ रहा है वो है करीबन 447 का। तो स्टॉप लॉस के साथ, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ बाय करके चलना चाहिए। ओके, तो गेल में बाय करके चला जा सकता है, अभी और मजबूती बाकी है। इंडियाबुल्स वेंचर्स, यहाँ पर एक बड़ी डील हुई है, 1.25% इक्विटी जो है वो वहां पर डील हुई है 259 रुपीज पर शेयर पर। इस स्टॉक पे क्या व्यू है आपका? इंडियाबुल्स का, अगर इंडियाबुल्स वेंचर का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये स्टॉक 300 रुपए से लेके करेक्ट हुआ था करीबन 220 तक ये नीचे आया था और वहां से एक अच्छा उछाल इस स्टॉक में आते हुए देखा है। मैं मानता हूं कि ये एक अच्छा करेक्शन हुआ है, स्टॉक बेहतरीन लेवल पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, बाय करने की सलाह होगी। पोजिशनल ट्रेड में रिकमेंड करना चाहूंगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस 257 का लगाएंगे और टारगेट के लिए 284।